हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट नितिन में। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हो गए हैं आपकी सेवा में लेकर जड़ से मकान। आज मैं आपको 50 गज का नहीं 45 गज का जड़ से मकान दिखाने वाला हूँ। इंडिपेंडेंट हाउस है, जमीन के साथ है, जमीन भी आपकी है, पूरा घर आपका ही होने वाला है। 45 गज में बना हुआ डुप्लेक्स इंडिपेंडेंट हाउस, बेहद खूबसूरत शानदार, यानी कि एक छोटा सा महल जिसका आप सपना देखते हैं, वो हाउस में दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूँ। सारी फैसिलिटीज दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगी। लोकेशन की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा की तरह मोहन गार्डन के अंदर आपको मकान दिखाता हूँ, तो आज भी मोहन गार्डन उत्तम नगर की लोकेशन में आपको ये इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों मैं दिखाने जा रहा हूँ। आराम से इत्मीनान से बैठकर ये वीडियो देखें, क्योंकि 45 गज का अंडर बजट इंडिपेंडेंट हाउस आप ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों कोशिश करता हूं कि बजट में आपके प्रॉपर्टी दोस्तों लेकर आऊं और आपको दिलवाऊं। दोस्तों ये हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है दोस्तों, पूरी कोशिश करता हूं कि आपके बजट के अंदर आपको प्रॉपर्टी दें। जो प्रॉपर्टी हम लोग बनाते हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टी सस्ती भी होती है, कुछ महंगी भी होती है। जब आपका बजट हमारे पास नहीं होता तो हम आपके लिए आउट ऑफ दिल्ली यानी कि NCR के अंदर जाकर भी शूट करते हैं, और आपके बजट की प्रॉपर्टी आपको फ्लैट हो या फिर हाउस हो या फिर कोई भी लैंड हो जैसे कि प्लॉटिंग, वो आपको दिलवाने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, इस हाउस के बारे में बात करेंगे जिसका हम लोग अभी शूट कर रहे हैं, जो आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों हाउस बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। दोस्तों तो माफी चाहूंगा कि थोड़ी सी यहां पर गंदगी है, क्योंकि अभी जो है रेडी टू मूव हुआ है, इसमें सफाई होना बाकी है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको जल्द से जल्द दिखाएं, क्योंकि जब तक क्या होता है मकान की वीडियो आप तक पहुंचती है, मकान सेल हो जाता है और अंडर बजट जो आपके लिए मकान होता है वो आपको नहीं मिल पाता। चलिए दोस्तों, पूरे हाउस का टूर करेंगे। चैनल पर अगर हमने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हमेशा के लिए प्रेस कर देना ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि हमारी जो सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारा जो ये हाउस है दोस्तों वो कार पार्किंग के साथ रहने वाला है। 45 गज का जड़ से मकान है, 20 फीट की रोड पर। आउटसाइड जो आपको मेन रोड मिलेगी वो 20 फीट की मिलेगी, और जस्ट आपके मकान के बैक साइड में मेन कमर्शियल रोड भी आपको मिलेगा, जहां से आपको सारी कन्वेंस की प्रॉब्लम जो होगी वो सारी दूर हो जाएगी और आप मेट्रो या फिर बस अड्डे जाने के लिए जो है जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। दोस्तों कम से कम टाइमिंग के अंदर अपना जो है मेन रोड तक पहुंच पाएंगे। मेट्रो से डिस्टेंस जो है इस हाउस का नवादा मेट्रो स्टेशन है, जिसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पर ये 45 गज का डुप्लेक्स इंडिपेंडेंट हाउस जमीन के साथ जुड़ा हुआ दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कार पार्किंग के साथ है, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों। जी हाँ, ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, इस पे आप लोन भी करवा सकते हैं बिकॉज ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। जी हाँ, रजिस्ट्री इस मकान की हो रखी है। इस पर बहुत ही आसानी से आप अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कई सारे बैंक है जो यहाँ पर लोन करते हैं, उनसे आप अपना जो है लोन करवाकर ये प्रॉपर्टी बहुत ही आसानी से छोटी मोटी डाउन पेमेंट देकर खरीद सकते हैं। जी हाँ, अंडर बजट हाउस आप ढूंढ रहे हैं तो 45 गज का ये मकान दोस्तों आपके लिए ही रहने वाला है। हॉस्पिटल्स, बैंक, ATM, जिम, स्कूल, मार्केट, वो सारी फैसिलिटीज दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिहाइश करने में आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली बिकॉज ये सारी कॉलोनी बसी हुई है। हम लोग किसी गांव के अंदर नहीं, सिटी के अंदर, यानी कि दिल्ली जैसी सिटी के अंदर जो लोग अपना मकान लेने का सपना देख रहे हैं, हाउस ये उनके लिए दिखा रहा हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, सारी जो है सुविधा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मिलेगी। पानी बिजली की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पानी आपको मिलेगा वो दिल्ली जल बोर्ड का वाटर का कनेक्शन मिलेगा, सीवरेज कनेक्शन मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाएगा, IGL से गैस पाइपलाइन का कनेक्शन भी आपको यहां पर मिल जाएगा, प्लस समरसिबल आपको यहां पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलने वाला है। सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। पूरे हाउस का टूर करते हैं, चलते हैं आउटसाइड से। ये मकान हमारा जो फ्रंट एलिवेशन है, जो मेन पॉट, जो हमारा मेन पॉइंट इस हाउस का रहता है, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं और पूरे हाउस का टूर करते हैं। तो दोस्तों लीजिए, अब हम अपने हाउस के बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले आप रोड देख लीजिए। देखिए, रोड काफी आपको वाइड यहाँ पर मिलता है। मैंने आपको बताया कि 20 फीट का वाइड रोड दोस्तों आपको यहाँ पर दे रहे हैं। मकान जो आपका रहने वाला है 20 फीट के वाइड रोड पर आपको बनाकर दे रहे हैं। न्यूली बिल्ट इंडिपेंडेंट हाउस है, बिल्कुल न्यूली बिल्ट दोस्तों। हाँ, इंडिपेंडेंट हाउस है, 45 गज में बना हुआ, 20 फीट की रोड पर, प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, रजिस्टर्ड है, फाइनेंस करवा कर ले सकते हैं। एलिवेशन पे एक बार नजर लगवा दीजिए। तो एलिवेशन देखिए, क्या गुड लुकिंग, खूबसूरत एलिवेशन दोस्तों आपको टाइल वर्क के साथ दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी जो एलिवेशन है दोस्तों, जिसमें आपको ब्राउन और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल के वर्क में दोस्तों देखने को मिलेगा। पूरी एलिवेशन पे एंड टू एंड टाइलिंग रहने वाली है, जिसमें सारे फास्टनर भी लगे हुए हैं दोस्तों, तो टाइल भी कभी गिरेगी नहीं। ये काम आपका लाइफ टाइम हो जाता है, जिससे टाइल गिरने का डर नहीं है और घर की एलिवेशन हमेशा के लिए
चमकदार आपकी रहने वाली है। ये सबसे अच्छी चीज़ इस मकान के अंदर आपको दोस्तों देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कार पार्किंग के साथ हमारा जो है ये हाउस रहने वाला है, जिसमें इस पोर्शन में हम लोग रैंप बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक रैंप बनाया है, इसमें अभी मार्बल लगना बाकी है, जिसमें आपको पूरा ग्रेनाइट मार्बल का वर्क हम लोग देने वाले हैं। यहाँ पर सारा ग्रेनाइट का मार्बल वर्क यहाँ पर आपको मिलेगा और साइड में दो स्टेप मिलेंगे, जिससे कि आपकी सिंगल एंट्री होगी, वहाँ पर भी आपको सारा मार्बल वर्क मिलेगा। और जो पानी का कनेक्शन है उसके लिए पाइपलाइन अलग से यहाँ पर इस पोर्शन में दे दी गई है, तो यहाँ से आपका दिल्ली रोड का वाटर का कनेक्शन जो है वो कनेक्ट होने वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमारा जो गेट है वो काफ़ी वाइड गेट दोस्तों आपको देखने को मिलता है, जो कि MS का काफ़ी हैवी डिज़ाइनर दो शटर का गेट आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें एक सिंगल शटर रहने वाला है सिंगल एंट्री के लिए, और इसको ओपन करने के बाद अपनी कार भी आप यहाँ पर इजिली पार्क कर सकते हैं। कार पार्किंग काफ़ी बड़ी है, आप अपनी एक बड़ी गाड़ी यूज़ करते हैं, हैचबैक से ऊपर अगर सेडान भी यूज़ करते हैं तो भी इस घर के अंदर बहुत ही आसानी से पार्क कर पाएंगे। प्लस यहाँ पर आपको इंटरकॉम की फैसिलिटी मिल जाती है इस पोर्शन के अंदर। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इंटरकॉम की फैसिलिटी मिलती है नीचे और ऊपर दोनों मंजिल पर, जिससे कि आप अपने अंदर बैठे बैठे अपना मेन डोर ऑपरेट कर पाएंगे। बाहर के आए हुए जो भी गेस्ट होंगे वो यहीं से बात करके आपसे जो है घर के अंदर एंट्री ले पाएंगे दोस्तों। अब बात आ जाती है इस हाउस के अंदर की, अंदर चलते हैं। प्रॉपर वेंटिलेटेड और प्रॉपर इंडिपेंडेंट हाउस, जिसमें ज़मीन आपकी, छत आपकी है, ये हाउस आपको मिलने वाला है। तो अंदर चलते हैं, अंदर से ये हाउस आपको जल्द से जल्द दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं अपने हाउस के अंदर। हाउस के अंदर का पोजीशन जो है हम लोग देख लेते हैं। ये हमारी सबसे पहले कार पार्किंग आपको दोस्तों देखने को मिलेगी। टाइल वर्क देखिए तो 4 फीट की हाइट तक आपको टाइल वर्क मिलेगा, प्लस इसमें गोल्डन स्ट्रिप में आपको जो है बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। टाइल वर्क पूरी पार्किंग है आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को, डिजाइनर टाइल्स हमने पूरी यहाँ पर यूज़ की है। प्लस जो हमारी पार्किंग के जो फ्लोरिंग रहने वाली है उसमें सारा ग्रेनाइट मार्बल यूज़ किया है दोस्तों। बड़े बड़े साइज़ की आपको यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पार्किंग आपको मिलेगी, बड़े बड़े साइज़ के रूम मिलेंगे। हाउस 2 मंजिल है, काफ़ी अच्छा स्पेशियस आपको जो है यहाँ पर फील होगा, क्योंकि रूम बड़े रहने वाले हैं, पार्किंग बड़ी आपको मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी जो है सेडान गाड़ी भी पार्क कर पाएंगे, प्लस 2 व्हीलर यहाँ पर 2-3 वो भी पार्क कर पाएंगे। ये चीज़ आपको अच्छी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पार्किंग के अंदर फॉल सीलिंग भी दोस्तों हमने यहाँ पर बनाई है, देखिए तो फॉल सीलिंग देखिए काफ़ी खूबसूरत एक यूनिक डिज़ाइन के अंदर दोस्तों तैयार की गई फॉल सीलिंग आपको दोस्तों यहाँ पर देखने मिलती है, जिसके चारों तरफ आपको LED लाइट का वर्क मिलता है जो कि व्हाइट कलर में है, और इनर साइड में हमने इसमें जो है कोवलाइट यूज़ की है जो कि ब्लू कलर में रहती है, वो इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर देती है, जिससे आपका मकान का जो है ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है। प्लस यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे आते हैं जो स्टेयर मिलती है हमें, स्टेयर से पहले हम नीचे का पोर्शन देखते हैं। स्टेयर के नीचे इसमें सारे दिल्ली जल बोर्ड के वाटर के कनेक्शन आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। आपका समरसिबल मैंने बताया कि आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल जाता है, दिल्ली जल बोर्ड का वाटर का कनेक्शन आपका इसी पोर्शन के अंदर आ जाएगा। मोटर सैंक्शन भी आपका दोस्तों यहीं पर रहने वाला है। प्लस हमारी जो रेजिडेंस हमारा रहने वाला है, जहाँ पर हमने अपनी जो रिहाइश करनी है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 फीट उठा के बनाया गया, जिससे पार्किंग की डस्ट अंदर की तरफ नहीं जाएगी, आपका हाउस हमेशा साफ ही रहेगा, और जो डस्ट होगी वो पार्किंग के अंदर ही ब्रेक लगा लेगी। यहाँ से सबसे पहले आपको जो स्टेयर मिलती है देखेंगे तो यहाँ पर 3.5 फीट चौड़ी स्टेयर आपको दोस्तों इस पोर्शन में देखने को मिल जाती है। स्टेयर में पूरा ग्रेनाइट मार्बल का वर्क दोस्तों आपको देखने को मिलता है, प्लस साइडों में आपको LED वर्क मिलता है जो कि ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में दोस्तों तैयार किया गया है, जिससे कि आपकी स्टेयर के अंदर भी रोशनी रहेगी, प्लस एक अलग से लुक देखने को मिलेगा स्टेयर के अंदर। प्लस हमारी जो ग्रिल रहती है यहाँ पर, जो साइडों में आपको SS की ग्रिल मिलती है, वो ग्राउंड से लेकर पूरा टॉप तक दोस्तों SS की वर्ल्ड क्लास आप जैसे बोलते हैं 302 ग्रेड में दोस्तों यहाँ पर SS की ग्रिल आपको लगाकर दी जाती है। अब थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वॉशरूम मिलता है, रूम से पहले वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम के बाहर का हम जो है नज़ारा पहले करवाते हैं आपको। इस पोर्शन में आप देख रहे हैं कि एक टैब का ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पर ड्रेनिंग ऑप्शन रहेगा, आप देख रहे हैं कटिंग कर रखिए। यहाँ पर एक वॉश बेसिन लगना अभी बाकी है दोस्तों, वो भी लगवा कर देंगे, और उसके बाद हमारा जो वॉशरूम देखने को मिलता है, वॉशरूम हमारा दोस्तों 6x5 का रहेगा, 5 फीट चौड़ाई रहेगी और 6 फीट इसकी लंबाई रहेगी। नीचे हाई ग्लोसी टाइल्स वर्क मिलता है, साइडों में आपको एंड टू एंड हाई ग्लोसी टाइल्स वर्क दोस्तों सारा देखने को मिलता है, जिसमें ग्रीन और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन आपके किचन बाथरूम के अंदर तैयार किया गया है। और इसमें टैप टूटी शावर सारे ब्रांडेड कंपनी के आपको मिलेंगे, गीजर के पॉइंट की फिटिंग मिलेगी, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए ऊपर विंडो भी दी गई है इस पोर्शन में, यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलती रहेगी। रूम में आ जाते हैं इसके बाद, रूम देखिए दोस्तों काफी बड़ा रूम आपको मिलता है। रूम का साइज समथिंग अगर मैं बात करूं तो यहां पर 10x11 का रूम आपको मिलता है, जी हाँ, जिसमें काफी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिलता है। 10x11 का रूम जो है 45 गज के मकान के अंदर इनफ होता है दोस्तों, जिसमें आप अपना एक 6x6 का किंग साइज का डबल बेड लगाने के बाद भी काफी अच्छा स्पेस देख सकते हैं दोस्तों। सामने जो वॉलपेपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वॉलपेपर आपके लिए लगाया गया है दोस्तों, ये कॉस्टमाइज वॉलपेपर रहने वाला है, 3D लुक में है दोस्तों। इसकी जो है कॉम्बिनेशन काफी अच्छी है, जिसमें आपको ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, ग्रे कलर, गोल्डन कलर, येलो कलर, पिंक कलर, रेड कलर, काफी सारे कलर का कॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आपके इस रूम को काफी ज्यादा हाईलाइट कर देता है। प्लस जहां पर आपका डबल बेड रहेगा सामने 6x6 का डबल बेड साइज के सामने आप देखेंगे तो यहां पर एक बड़े साइज का आपको
टीवी पैनल मिलता है जो कि वुडन में रहने वाला है, छोटे छोटे स्लॉट्स मिल जाते हैं, फोकस लैंप इसमें लगाए गए हैं दोस्तों डेकोरेशन के लिए, ये चीज काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। प्लस तीन ड्रॉर आपको इस पोर्शन में देखने को मिल जाते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर भी आप अपना सामान रख सकते हैं, तीन ड्रॉर आपको मिल जाते हैं और साइडों में भी अपनी छोटी मोटी चीज जो आइटम हो, एंटीक आइटम हो, वो अपना यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर भी फोकस लैंप है दोस्तों, यहाँ पर आप अपना जो है 40 इंच प्लस एक एलईडी टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। रूम काफी बड़ा है, नीचे फ्लोरिंग पर आपको हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल कवर मिलता है जो कि स्क्रैचलेस रहने वाली है, ये सबसे अच्छी चीज मिल जाती है। प्लस वेंटिलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर विंडो नहीं होती बिकॉज क्योंकि सामने हमारा वॉशरूम रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको स्प्लिट एसी का प्रोविजन मिल जाता है जो कि अंडरग्राउंड पूरी फिटिंग रहेगी दोस्तों, कोई भी तोड़फोड़ एक्सटर्नली आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका स्प्लिट एसी बहुत ही आसानी से आ जाएगा। प्लस ऊपर फॉल सीलिंग भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो फॉल सीलिंग पे एक बार नजर लगवा दीजिए, फॉल सीलिंग हमारी देखेंगे तो काफी खूबसूरत फॉल सीलिंग स्क्वायर शेप में आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें साइडों में आपको एलईडी का वर्क मिलता है जो कि व्हाइट कलर में रहने वाला है, और उसके बाद कोवलाइट का वर्क मिलता है आपको जिसमें आपको येलो कलर का जो है साइन देखने को मिलेगा, और उसके बाद ब्लू कलर का साइन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर मेन डोर पर इस पोर्शन में नजर लगवा दीजिए तो यहाँ पर हमें टेलीकॉम की फैसिलिटी मिल जाती है, देखिए तो इंटरकॉम फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलती है, यहीं से मेन डोर अपना ऑपरेट बात करके कोई भी गेस्ट हो बाहर की साइड में ऑपरेट कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तब उसको आप एंट्री दे सकते हैं दोस्तों। ये ग्राउंड का पोर्शन आपने देख लिया कि वन रूम के सेट के साथ आपको जो है बाथरूम मिल जाता है, उसके बाद आपको पार्किंग मिल जाती है दोस्तों, टीवी पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं, कस्टमाइज वॉलपेपर हैं, स्प्लिट एसी की फिटिंग है दोस्तों, सारी चीजें आपको इवन क्लास की मिलती है दोस्तों। और जो डोर्स की अगर बात करें तो साउंडलेस डोर हमारे रहने वाले वुडन के काफी अच्छे बेस्ट लॉकिंग सिस्टम के साथ आपको जो हाइट अगर मिलती है तो इसकी 6 फीट की हाइट दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है। डोर्स भी काफी अच्छे हैवी रहने वाले हैं। ये ग्राउंड का पोर्शन है, ऊपर टू रूम सेट किचन बाथरूम वगैरह सब आपको ऊपर की साइड में मिलेगा, तो यहां से चलते हैं ऊपर और ऊपर का पोर्शन जल्द से जल्द आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम जो है अपने ऊपर की मंजिल पर आ चुके हैं, हमारी ऊपर की मंजिल रहने वाली है, स्टेयर से जहाँ से मैं ऊपर आया हूँ मैं आपको पोर्शन दिखा देता हूँ, ये हमारा स्टेयर का पोर्शन है, यहाँ से हम ऊपर आए हैं और पूरे स्टेयर के अंदर आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर की लाइटिंग जो है एक विला का लुक दे रही है इस पोर्शन के अंदर, और यहाँ से यू टर्न करती हुई स्टेयर आपकी जो है पूरी टॉप तक जाएगी, पूरा ग्रेनाइट मार्बल टॉप तक मिलेगा, ऐसे ऐसे ग्रिल टॉप तक पूरी मिलेगी और सारी लाइटिंग वर्क भी आपको जो है पूरा टॉप तक देखने को मिलेगा। ये जो 45 गज का मकान है 45 गज का, इसमें जो लुक दिया हुआ है पूरा विला का लुक दिया हुआ है, जैसे कि आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो है शहरों के अंदर जो बड़े बड़े बंगले बनाए जाते हैं उनका लुक दोस्तों निकालने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा डिज़ाइन मिले आपके बजट के अंदर, अंडर बजट प्रॉपर्टी आपको मिले और घर भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मिले। तो हम जो है सबसे पहले अपना बैक साइड का रूम देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग अपने फ्रंट पर जाएंगे। तो यहाँ से पहले आ जाते हैं हम अपने बैक साइड में, जो हमारा पहला रूम ऊपर की मंजिल का रहेगा दोस्तों। देखिए साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो आपको 10x11 का साइज मिल जाता है इस रूम के अंदर, रूम काफ़ी बड़े बड़े हैं, स्पेशियस रूम मिलते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ के रूम वो आपको काफ़ी बड़े बड़े दोस्तों देखने को मिलते हैं। सामने जो वॉलपेपर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी 3D लुक में आपको कॉस्टमाइज वॉलपेपर दोस्तों मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पर भी क्रीम ग्रे ब्राउन ऑरेंज कलर का शेड दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर देता है दोस्तों। और यहाँ पर भी एक टीवी पैनल आपको मिल जाता है इस पोर्शन के अंदर, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फोकस लैंप वगैरह यहाँ पर भी आपके लगाए गए हैं दोस्तों, इसमें भी छोटी छोटी चीज़ डेकोरेट कर सकते हैं, छोटे छोटे स्लॉट आपको शेल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर अपना डेकोरेटिव आइटम कोई भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपना जो है 45 इंच प्लस 44 इंच 42 इंच 40 इंच प्लस बहुत ही आसानी से एक एलईडी टीवी इंस्टॉल्ड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर वुडन टीवी पैनल में मिलता है। प्लस दो ड्रॉर आपको यहाँ पर इस साइड में मिल जाते हैं, एक इस साइड में मिल जाता है, एक इस साइड में आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है। कॉम्बिनेशन देखिए तो आपको ब्लैक माइका प्लस यहाँ पर आपको व्हाइट कलर में डिजाइनर माइका वर्क दोस्तों देखने को मिल जाता है। फ्लोरिंग की एक बार बात करते हैं तो फ्लोरिंग पर नजर लगाइए तो फ्लोरिंग में यहाँ पर भी आपको 2x4 के साइज में हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल का वर्क मिलता है, जो कि सारी स्क्रैचलेस ही रहने वाली है। ऊपर फॉल सीलिंग देखिए तो काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको मिलता है दोस्तों, देखिए जिसमें सेंटर में सर्कल मिलता है और साइडों में स्नेक डिज़ाइन मिल जाता है, जिसमें साइडों में आपको जो है एलईडी वर्क भी मिलता है जो कि व्हाइट कलर में रहने वाला, और कोवलाइट हमारी ब्लू और येलो कलर की दोस्तों ऑलरेडी आपको यहाँ पोर्शन में देखने को मिल जाती है। ठीक सामने यहाँ पर जहाँ टीवी पैनल है उसके ठीक सामने जहाँ डबल बेड आएगा उसके ऊपर ही आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी अंडरग्राउंड फिटिंग आपकी स्प्लिट एसी की रहने वाली है। अब कई लोग सोचेंगे जहाँ डबल बेड लगेगा उसके ऊपर एसी कैसे आएगा दोस्तों, ये तो गलत बात है, नहीं, पूरी अंडरग्राउंड फिटिंग है, जो पाइपलाइन की फिटिंग होती है वो यहाँ से कनेक्ट होते हुए आपके तिरछे में इस साइड में टेढ़े होते हुए यहाँ से आपके बाथरूम के साथ अटैच की जाती है, तो पानी से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है, स्प्लिट एसी यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपका इंस्टॉल्ड हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग इस डोर की, जो हमारा मेन डोर रहने वाला है, यहाँ पर डोर्स देखेंगे तो यहाँ पर भी डोर्स की हाइट सबसे पहले आप देख लीजिए, डोर की हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने मिली, जिसकी हाइट की अगर बात करूँ तो समथिंग आपको 8.5 फीट की हाइट इस डोर की मिलने वाली है। बोथ साइड माइका वर्क के साथ बेस्ट लॉकिंग सिस्टम के साथ सारे हमारे जो डोर्स हैं वो रहने वाले हैं। इस साइड में बाथरूम मिलता है दोस्तों आपको,
तो बाथरूम का साइज मैं वो भी आपको बता चुका हूँ, सेम ही साइज रहेगा दोस्तों, 5-6 का बाथरूम आपको दोस्तों यहाँ पर देखने मिलता है। नीचे फ्लोरिंग पर हाई ग्लोसी टाइल्स है, साइडों में हाई ग्लोसी ग्रीन और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में टाइलिंग वर्क मिलता है। टैप टूटी शावर्स वगैरह सारे ब्रांडेड कंपनी के मिलेंगे, गीजर के पॉइंट की फिटिंग मिल जाएगी, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है दोस्तों। अब यहाँ से आगे आते हैं तो इस पोर्शन में हमें इंट्रो होम की फैसिलिटी मिल जाती है यहाँ पर, तो यहीं से मेन डोर अपना ऑपरेट कर पाएंगे दोस्तों, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ऊपर की मंजिल की MCBs कनेक्शन आपके यहाँ पर रहेंगे, यहाँ से सारी इलेक्ट्रिसिटी लाइट आपकी जो ऑपरेट होगी, प्लस ऊपर सीलिंग पर डिज़ाइन भी आपको मिल जाता है, साइडों में लाइट वर्क है और सेंटर में LED वर्क भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। अब आप देख रहे हैं कि किचन कहाँ है, किचन हमने जो है फ्रंट वाले रूम के साथ अटैच किया है दोस्तों, यहाँ पर इस पोर्शन में आपको किचन देखने मिलेगी, जिसका साइज आपको मिलेगा 5.5x7 का साइज दोस्तों आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। जी हाँ, 7 फीट लंबी रहेगी और 5.5 फीट चौड़ी रहेगी ये किचन हमारी, जिसमें सारा आपको साइडों में टाइल वर्क दोस्तों देखने को मिल रहा है, ऊपर सारे बॉक्सेस लगे हुए हैं दोस्तों, नीचे सारा हाई ग्लोसी टाइल्स है दोस्तों साइडों में, और यहाँ पर इस साइड में मार्बल वर्क आपको दोस्तों स्लैब पर देखने को मिलेगा। ये हमारा मार्बल देखेंगे तो यहाँ पर एल शेप की किचन है, सारा मार्बल वर्क आपको मिलेगा, काफी हैवी मार्बल दोस्तों यहाँ पर ग्रेनाइट यूज किया गया है। नीचे सारे जो स्लॉट्स मिलते हैं आपको यहाँ पर, जिसमें आटा बास्केट, प्लेट बास्केट, कटलरी बास्केट, सारा स्टेनलेस स्टील का वर्क इनर साइड में दोस्तों यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप अपना जो है कोई भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलाना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, यहाँ पर मशीन वगैरह यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि मिक्सी वगैरह, तो उसके लिए पावर स्विच आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर भी पावर स्विच आपको मिल जाते हैं, जिसका कनेक्शन यहाँ पर चिमनी के साथ होगा। चिमनी ब्रांडेड कंपनी की ही आपको दोस्तों हम लोग लगा कर देने वाले हैं, चिमनी का स्पेस निकाला है तो चिमनी तो लगनी दोस्तों बनती है। यहाँ पर ब्रांडेड चिमनी मिलेगी, ऊपर फोकस लैंप लगाए गए हैं दोस्तों किचन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, जिसमें ऊपर भी आपको जो है ब्राउन माइका मिलता है और नीचे क्रीम जो है कलर का माइका मिलता है दोस्तों। इस पोर्शन के अंदर वुडन के सारे जो है आपके यहाँ पर बॉक्सेस बनाए गए हैं, इसमें आपको यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर आप अपना कोई RO लगाना चाहते हैं तो RO भी लगा सकते हैं, और बड़े बड़े बॉक्सेस आपको मिल जाते हैं, इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस किचन के अंदर। और यहाँ पर आप अपना बर्तन का स्टैंड लगाना चाहते हैं तो बर्तन का स्टैंड लगा सकते हैं, RO भी यहाँ लगाना चाहते हैं तो RO भी यहाँ पर लगा सकते हैं। नीचे जो हमें सिंक मिलता है दोस्तों वो स्टेनलेस स्टील का नहीं, यहाँ पर साउंडलेस एल्युमिनियम का सिंक बड़े साइज का मिल जाता है, और सामने जो टैप्स होंगे सारे ब्रांडेड कंपनी के ही दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। किचन काफी अच्छी स्पेशियस रहने वाली है, किचन में ऊपर की साइड में नजर लगाइए तो यहाँ पर सीलिंग पर आपको LED की लाइट मिलती है, और इस पोर्शन में सीलिंग पर आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन मिलता है, जिसमें आपको साइडों में कॉब लाइट का वर्क मिलता है और उसके बाद व्हाइट कलर की LED का वर्क दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने रूम के अंदर, रूम में सबसे पहले जो दरवाजा मिलता है फ्रंट पे भी माइका वर्क है, और इसके बैक साइड में अगर नजर लगवाते हैं तो बैक साइड में एक बार देख लेंगे तो बैक साइड में भी आपको माइका वर्क ही दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए। और यहाँ पर भी हमारी बालकनी रहेगी इस पोर्शन के अंदर, बालकनी में भी सेम आपको वही डोर मिलेगा, बेस्ट जो है इसके बैक साइड में और फ्रंट साइड पर सेम माइका वर्क मिलेगा, बेस्ट लॉकिंग सिस्टम के साथ, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो दी गई है दोस्तों बड़े साइज की, तो यहाँ पर बड़े साइज का अगर कूलर लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे, जिसमें इनर साइड में आपको आयरन की ग्रिल मिलती है, आउट साइड में ग्लास कवर के साथ 2 शटर मिल जाते हैं, प्लस ऊपर ग्लास कवर यहाँ पर दिया तो यहाँ पर आप अपना विंडो AC भी इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। प्लस इस पोर्शन में यहाँ पर अलमीरा वर्क है दोस्तों, इस पोर्शन में आपको जो है एक्सटर्नल अलमीरा यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों, ये पूरी इंटरनली रहने वाली है, इसको जो है हम जो है हिला नहीं सकते, यहाँ पर प्रॉपर फिक्स रहने वाली, जिसमें नीचे ड्रॉर का ऑप्शन मिल जाता है, 2 शटर ऊपर मिल जाते हैं, 2 बड़े शटर नीचे मिल जाते हैं, तो यहाँ पर गारमेंट्स वगैरह बहुत ही आसानी से आप अपने रख सकते हैं। वुडन की अलमीरा दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाती है, प्लस सामने जो हमारी जो वॉल रहने वाली है इसमें आप देख रहे हैं कि डिजाइनिंग की गई है, इस वॉल के ऊपर डिजाइनिंग जो की गई है, तो यहाँ पर उसके लिए बाई चांस कोई नया जोड़ा यानी कि शादीशुदा जोड़ा अगर अपना पर्सनल रूम में रहना चाहते हैं तो ये रूम उनके लिए बेस्ट रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर वो अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह कोई भी अपनी मैरिज की हो कुछ मेमोरीज हो तो यहाँ पर अपना जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपके डबल बेड की बैक साइड को काफी ज्यादा हाईलाइट करने वाली है। प्लस हाईलाइट के लिए तो यहाँ पर हम लोग वॉलपेपर देते ही हैं, तो यहाँ पर पूरी वॉल पर आप देखेंगे इस वॉल पिलर से लेकर पूरा आपका जहां तक आपका डोर मेन डोर रहने वाला है वहां तक ऊपर तक आपको जो है 3D लुक में कॉस्टमाइज वॉलपेपर इंस्टॉल करके दे रहे हैं, जो कि कलरफुल रहने वाला है। कलर के कॉम्बिनेशन में बता चुका हूँ, यहाँ पर कलर के कॉम्बिनेशन काफी अच्छे दोस्तों आपको देखने मिलेंगे, प्लस ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन भी आपको मिल जाता है, देखिए फॉल सीलिंग काफी खूबसूरत रहने वाली है, जिसमें आपको जो है यहाँ पर फैन वगैरह तो हम लोग इंस्टॉल करके देंगे दोस्तों। LED और कॉबलाइट का वर्क भी प्लस आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें कॉबलाइट इसमें आपको ब्लू और येलो देखने को मिल जाती है, और कॉबलाइट जो है हमारी कलरफुल तो है ही है, और साइडों में LED वर्क जो है हमारा व्हाइट कलर में देखने को मिल जाता है। विंडो AC जो हमारा लगेगा इस साइड में लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, कूलर लगा लीजिए, उसकी जो पावर की सप्लाई होगी यहाँ पर पावर बोर्ड से रहने वाली है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम अपनी बालकनी की तरफ, तो ये आ जाती है हमारी बालकनी, बालकनी में भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर भी अपना बुजुर्ग अगर रहना चाहते हैं यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर, तो यहाँ पर अपनी छोटी मोटी चेयर वगैरह लगाकर शाम को बैठ के हवा का आनंद ले सकते हैं, सर्दियों में धूप का आनंद ले सकते हैं, बिकॉज ये साउथ फेस रहने वाला है। यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील की ग्रिल भी दोस्तों इस पोर्शन में देखने को मिल जाती है, जो कि 302 ग्रेड में रहने वाली है, और फ्रंट की एलिवेशन पर जो टाइल वर्क मिलता है देखेंगे तो क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर सारा टाइल वर्क आपको फ्रंट के एलिवेशन पर दोस्तों चारों तरफ देखने को
मिल जाएगा जिसमें सारे फास्टनर लगे हुए हैं, टाइल कभी नहीं गिरेगी। ये चीज़ सबसे अच्छी आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब ये पूरे हाउस का टूर रहता है, आप रूफ पर चलते हैं, रूफ पर भी आपको टाइल वर्क मिलेगा, पूरे विला का लुक दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं रूफ के ऊपर और रूफ का पोर्शन आपको जल्द से जल्द दिखा देते हैं। तो दोस्तों अभी रूफ पर आ चुके हैं, रूफ का पोर्शन आपको दिखा देते हैं। रूफ देखिए काफ़ी खूबसूरत रूफ आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती है। पूरी रूफ पर जो है डिज़ाइनर टाइल वर्क आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। सारी जो टाइल लगाई गई है वो डिज़ाइनर लगाई गई है, जिससे कि टॉप का भी जो अपना जो पोजिशन होगी वो भी एक विला का लुक दोस्तों निकाल के हमें दे। ये हाउस 45 गज में हो, लेकिन आपको जो यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, कि एक स्वाद सा आ जाए दोस्तों, एक दिल में खुशी सी आ जाए कि हमारा जो घर है वो काफ़ी खूबसूरत है। बजट में तो लिया है दोस्तों, घर भी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि लुक जो है एक विला की दी है दोस्तों। तो जो कलर के कॉम्बिनेशन से लेकर दो हमारे जो टाइल पत्थर तक होता है वो कॉम्बिनेशन दोस्तों मैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसमें हाउस का जो है नक्शा भी अच्छा निकल जाए और हाउस की जो खूबसूरती है, डिज़ाइनिंग है, वो भी अच्छी दोस्तों यहाँ पर निकल के आए। तो देखिए ये फ्रंट साइड का लुक आपको सबसे पहले देख लीजिए। सामने हमारी जो ममटी रहने वाली है, यहाँ पर वाटर टैंक आपको जो इंस्टॉल करके देंगे हम लोग, 500 लीटर का एक वाटर टैंक यहाँ पर इंस्टॉल करके देंगे। और जो फ्रंट की एलिवेशन जो रहने वाली है, जिसमें आपको यहाँ पर जो SS की ग्रिल मिलती है 302 ग्रेड में, हैवी एक SS की ग्रिल यहाँ पर भी लगा कर देते हैं। और रूफ पर काफ़ी स्पेस दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। रूफ जो हमारी रहने वाली है, इस पर आप अपना छोटे मोटे घर में अगर कोई फंक्शन करना चाहते हैं तो छोटी मोटी गैदरिंग, यानी मेरी 50 से 60-70 बंदों की गैदरिंग अपने घर के अंदर ही कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट की साइड पर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है और बैक साइड पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि फ्रंट भी अच्छा है, लेंथ भी अच्छी है, तो रूफ में स्पेस भी अच्छा मिल जाता है, रूफ के ऊपर भी स्पेस काफ़ी अच्छा दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है दोस्तों, ये रजिस्टर्ड है, फाइनेंस करवा कर ले सकते हैं। बाकी कोई भी क्वारी हो तो सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है दोस्तों। प्राइस जानने के लिए सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी दोस्तों। अब तो बिल्कुल भी देर न करें, जी हाँ बिल्कुल भी देर न करें, जल्द से जल्द सामने दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपने मकान पर विजिट करें और अपने गृह प्रवेश की दोस्तों तैयारी करें। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।